स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। दोस्तों अभी देख सकते हैं धान की हरियाली काफ़ी अच्छी है और हम आए हैं खेत में इसलिए क्योंकि खेत में से निकालना है घास। तो बेसिकली सीन ये है कि घास हम नहीं निकाल रहे हैं, घास निकाला जा चुका है, उसको निकाल कर मतलब खेत से बाहर फेंकना है केवल, तो वही काम कर रहे हैं। तो अभी धूप ख़त्म हो चुका है और इसको करने में कम से कम 4-5 घंटे आज लगेंगे, 4-5 घंटे कल लगेंगे, फिर क्या है, चलेगा ऐसे ही। तो आपको दिखाते हैं कि घास हम कैसे निकाल रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं घास का गल्ला है क्या है, इसके वजह से घास की वजह से धान का 4-5 जो थान है वो दब चुका है। तो ऐसे ही पूरे खेत में है, जगह जगह दिखाते हैं आपको, यहाँ है और भी बहुत जगह, मतलब पूरा खेत में ही है और देख सकते हैं कहाँ तक है। तो निकालने में मुझे बहुत मेहनत लग रहा है, मेहनत बहुत नहीं लग रहा है, टाइम लग रहा है और कई दिन का टाइम। तो अभी हम इस टाइम पर इसलिए आए हैं क्योंकि धूप यहाँ कम है और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया अपना बाल कटवा लो, दाढ़ी सही से कर लो। तो भाई बात यह है कि उसको बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, कटवाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, इसीलिए इतना बड़ा हो गया था। तो अभी कटवा लिया हूँ, देख सकते हो सही हो गया है और अब इसी को करेंगे, कम से कम 2-3 दिन इसमें करेंगे और कुछ टाइम अपना पढ़ाई में चला जा रहा है, ऐसे ही दिन निकलता जा रहा है। तो भाई लोग आज है डे 3 घास निकालने का और अभी आ रहा है बारिश और पूरे खेत में पानी लग चुका है और घास निकालने में और भी मुश्किल हो रहा है। और सेकेंड डे का व्लॉग हमने शूट नहीं किया क्योंकि उस दिन केवल हमने काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए व्लॉग शूट नहीं हुआ। और अभी अभी जस्ट खेत में आ रहे हैं इसीलिए ऐसे हैं क्योंकि काम चालू करने के बाद से वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, वीडियो नहीं बनाते हैं, काम ही करना पड़ता है। तो व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए एंड तक, देखते रहिए आगे क्या होता है क्या नहीं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं बारिश अभी बंद हो चुका है और हम घास निकाल रहे हैं, कंटिन्यू घास यहाँ है, वहाँ है, उधर है, पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ अभी खांची बोलते हैं हम लोग इसको, खांची में एक खांची रखे हैं और ऐसे कम से कम 50 बार तो फेंक ही चुके हैं और अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि खेती को इतना हल्के में मत लिया करो, इसमें बहुत मेहनत लगता है। और अगर किसानों का काम अच्छा लगता हो तो एक लाइक तो बनता है कि। सो यार घास निकालते निकालते हम पहुंच चुके हैं अपने इंड तक, तो अब व्लॉग को इंड करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।